एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जाने खुर्द में स्थित लहरा गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान धर्मवीर सिंह हैं। वर्तमान प्रधान धर्मवीर सिंह द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 2850 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं एवं 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 60 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 10 सोलर लाइट भी वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। इसी के साथ ही 5 सीसी टाइल्स रोड, 1 नाली, स्कूल में शौचालय एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 74 शौचालयों का निर्माण भी ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया। मैं ग्राम प्रधान धर्मवीर सिंह, ग्राम पंचायत लहरा पस्तरा, ब्लॉक जानी खुर्द मेरठ। हमने अपने गांव में पांच खड़ंजे बनाए हैं जो सीसी टाइल्स द्वारा बनाए गए, और एक नाली बनाई, बहुत काफ़ी लंबी है वो। उसके बाद कुछ सोलर लाइट, 10 सोलर लाइट दोनों गांवों में लगी हैं। स्कूल में जो है शौचालय के जो क्वार टूटे हुए थे उनकी मरम्मत कराई, नए शौचालय जो 74 आए थे वहाँ से जो बनाने के लिए आए थे 74 शौचालय बना दिए। अभी हमें बहुत कुछ शौचालय की ज़रूरत है जो अभी हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरे ये है कि गाँव में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत बहुत जल्द खराब है, वहाँ 4 दीवारी और उसकी मरम्मत करानी है। ग्राम पंचायत करीब 25 साल पहले बना था, वो 20 साल से ही खराब स्थिति में है, वहाँ कोई न बैठता है ना कोई किसी तरह कोई वो है। सोमवीर है, मैं प्राथमिक विद्यालय लहरा नंबर 1 में प्रधान अध्यापक हूँ। हमारे स्कूल में जो है खाना बनाने वाली है, 91 बच्चे हैं, इनसे पूछे। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या है बिल्डिंग की, गली का पानी भी जो है वो स्कूल की बिल्डिंग में घुस जाता है, और जो छत जो है बिल्डिंग की वो सारी चोरी है। शौचालय की समस्या है, और हमारे यहाँ जो फर्नीचर तो बिल्कुल नाम मात्र को है।